मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेसन कर रहे थे 11. Safety. Students, इस lesson में हम हम लोग क्या कर चुके थे आज करेंगे टिक द करेक्ट वर्ड आंसर एंड द ब्लैंक तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमें सड़क पर कब हमेशा कहाँ चलना चाहिए वी शुड वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ ट्रैफिक रूल वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड ये तीन ही चीजें आपको याद रखनी चाहिए और एक क्या चीज याद रखनी चाहिए रोड ओनली वेन देशन पेडिस्ट्रेशन लाइट इज ग्रीन वी शुड क्रॉस द रोड द जेबरा क्रॉसिंग नेक्स्ट क्या लर्न किया हम लोग ने बिफोर क्रॉसिंग द रोड वी शुड लुक टू दिन टू द राइट एंड अगेन टू द लेफ्ट इफ़ द रोड इज़ क्लियर देन ओनली वी शुड क्रॉस इट इतना हमने क्रॉस सेफ्टी एड सेफ्टी ऑन द रोड के बारे में पढ़ा कि हमें ये सब सीखना है बुक्स में नहीं पढ़ना है बच्चों इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना है कि हमें ऐसा ही करना है अब हम पेज नंबर सिक्सटी थ्री टिक द करेक्ट वो आंसर देखते हैं नंबर वन वी शुड नाट प्ले विथ द ए नंबर पे आएगा नाइफ्स एंड फॉक्स हमें किन चीजों से प्ले नहीं करना शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं करना शार्प ऑब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं नाइफ और फॉक्स फोक नंबर है वी शुड नॉट कैरी दीज थिंग्स टू स्कूल किन चीजों को स्कूल नहीं लेके जाना है बुक्स और पेंसिल लेके जानी है लंच बॉक्स एंड पेंसिल बॉक्स भी कंपलसरी है ब्लेड्स नाइफ सीजर एंड नाइफ्स को हमको स्कूल में कैरी नहीं करना है नहीं लेके जाना है वी शुड नॉट कैरी दीज थिंग्स टू स्कूल दीज थिंग्स कौन सी है ब्लेड सीजर और नाइफ नंबर थ्री सेफ्टी रूल से डेट वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेबरा सेफ्टी रूट का भी मैंने आपको बताया था ना रन ऑन द रोड नहीं करना है प्ले ऑन द रोड नहीं करना है क्या करना है जेबरा क्रॉसिंग में ही क्रॉस करना है अभी मैंने इस समय अभी पहले बताया था वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेबरा क्रॉसिंग तो ये आंसर आपका करेक्ट है नंबर फोर बिफोर क्रॉसिंग द रोड वी शुड लुक कैसा पहले देखना है टू द लेफ्ट देन टू द राइट एंड अगेन टू द लेफ्ट पहले बाएं फिर दाएं और फिर लास्ट में बाएं तरफ देख के क्रॉस करना है बिफोर क्रॉसिंग द रोड वी शुड लुक सी वाला ऑप्शन सही है टू द लेफ्ट देन टू द राइट एंड अगेन टू लेफ्ट नंबर फाइव वी शुड प्ले कहाँ पे रोड पे खेलना है बच्चों या किचन में खेलना है आप बताइए नहीं पार्क में खेलना है ना वी शुड प्ले इन द पार्क पार्क में खेलना चाहिए किचन और रोड पे नहीं खेलना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बॉक्स दिया हुआ है उसी की हेल्प से आपको करना है फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है स्टॉप फुटपाथ गैस स्टोव एंड पुश तो नंबर वन वी शुड नॉट प्ले विद द गैस स्टोव इन द किचन किचन में गैस स्टोव के साथ कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए उसकी नॉप्स को नहीं छूना चाहिए उनको अप और ऑन और ऑफ नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट डैश ईच अदर वाइल्ड क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स अगर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए पुश नहीं करना चाहिए आंसर है पुश नंबर थ्री द रेड ट्रैफिक लाइट टेल अस टू क्या कहती है रेड लाइट हमें स्टॉप अंबर लाइट हमें क्या कहती है वेट और ग्रीन लाइट हमें कहती है गो तो रेड लाइट हमें क्या कह रही है स्टॉप नंबर फोर वी शुड वॉक ओनली द फुटपाथ हमको अगर पैदल चलना है वॉक करना है तो हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए ठीक है बच्चों यहाँ पे हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए एक बार और कर लेते हैं रि रिपीट कर लेते हैं नंबर वन वी शुड नॉट प्ले विथ गैस स्टोव इन द किचन नंबर टू वी शुड नॉट पुश ईच अदर वाइल्ड क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स नंबर थ्री द रेड ट्रैफिक लाइट टेल्स अस टू स्टॉप वी शुड वॉक ओनली द फुटपाथ इसके बाद बच्चों ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया एक्टिविटी टाइम है टिक द आइटम्स जेट आर द कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट उन ट्रैफिक लाइट्स कलर्स करने उन चीज़ों को आइटम्स को जो यहाँ पे बने हुए हैं जो ट्रैफिक लाइट से मिल रहे हैं अब मैंगो है येलो है ग्रीन है अनियन रेड है जो कलर से आपका मैच हो रहा है उसको आप टिक करोगे और मैच द कलर ऑन द ट्रैफिक लाइट देयर मैसेज मैसेज है गो है स्टॉप है वेट है इसको आप मुझे करके सेंड करेंगे पेज नंबर सिक्सटी टू एक्टिविटी टाइम आप मुझे करेंगे और सेंड करेंगे नाउ स्टूडेंट्स गुड बाय